लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दूर भागा है, लेकिन कहां तक जाएगा? मोहन मोहन, वो तो उधर गया। जब गाड़ी रोको, इसके लिए पानी लाओ। अरे जाने भी दो यार, पानी वानी क्या करना है, ये ज्यादा देर जीने वाला है नहीं। अरे जग्गू गाड़ी रोको, इससे बहुत कुछ पूछना है अभी। ऐसा मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। लो रंजीत, रंजीत पानी, पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? देखो ना आसपास कहीं मिल जाए शायद। हा? अरे देखो देखो जल्दी करो, बेचारा मर रहा है। लो लो संभालो इतना। हाँ मैं संभालता हूँ, समझा। पानी पानी ला रहा है, सौ ला रहा है। तुमसे बहुत प्यार है, माफ कीजिएगा, हमारा एक साथी बेहोश हो गया, थोड़ा पानी चाहिए। हाँ ले लीजिए। तुमको मैं जग्गू तुम्हारा दोस्त। जग्गू? हाँ तुम्हारा दोस्त। मुझे शंकर से खतरा है जग्गू, वो सारा सोना हड़प कर ले जाएगा। अच्छा जग्गू, उसे सोना मत लेने दो। तू मुझे बता दो सोना कहाँ रखा है, मैं उसे मार डालूंगा, उसे सोना नहीं लेने दूंगा। कहाँ रखा है रंजीत सोना? कहाँ? गौरी के मंदिर के ऊपर। गौरी के मंदिर ऊपर का पत्थर उठाना। हाँ उसके नीचे एक रास्ता है, तीसरी मूर्ति के पीछे। तीसरी मूर्ति के पीछे सोना रखा है? जग्गू ये लो पानी। कोई जरूरत नहीं, इसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले ये कुछ बता दिया? कुछ बड़बड़ा जरूर रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। मरने से पहले इसने क्या बताया था? मैंने कहा ना कुछ बड़बड़ा रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। झूठ मत बोलो, फिर तुमने इसका गला क्यों घोटा? मैं क्यों गला घोटने चला? मर गया, गोली लगी थी सर। अभी पता चल जाएगा। उसमें जग्गू भाग रहा है। जग्गू कहाँ तक भागेगा? शंकर के पास ही जाएगा ना। डैडी हम शंकर का पीछा कर रहे हैं। लेकिन शंकर कहाँ है? ये जो सीवी तेल के रसीद आप देख रहे हैं, जब ये खत्म होगी शंकर वही होगा। वेरी गुड, आदमी अकलमंद हो। Woo!
तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? रंजीत ने मरने से पहले मुझे इस जगह का पता बता दिया। तो क्या रंजीत भी मर गया? हाँ, रंजीत मर गया। ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम और मैं आपस में दोनों ही माल बांट लेते। मुझे तुम्हारी माल की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत। Thank you.
तुम्हें माल चाहिए, उठा लो। मुझे माल नहीं चाहिए सोहन, मेरा जो कुछ लूट चुका था उसकी आखिरी कीमत में वसूल कर चुका, यह माल तुम ले जाओ। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं ले। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा। थैंक यू सर। गवर्नमेंट को आप जैसे ऑफिसरों पर जितना भी नाज हो कम है। थैंक यू। यानी आप हैं वर्मा, DIG CBI। तो आप क्लारा होटल का मालिक नहीं? क्लारा होटल के मालिक को तो पुलिस ने अपना मेहमान बनाकर बाहर भेज दिया था और उसकी जगह मिस्टर वर्मा को वहां का मेहमान बना दिया था, और ये मिस्टर वर्मा ही की स्कीम थी। मिस्टर वर्मा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर जग्गू, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ना तो आप पुलिस के आदमी और ना ही आपको माल चाहिए, फिर आपने शंकर का खून किस खुशी में किया? सर शंकर का ही नहीं, उसके तीनों साथियों को भी मैंने ही मारा। मैं दिल्ली में अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर रहा था, मेरा घर बर्बाद हो गया, पुलिस की तलाश पर मैं पहले प्लेन से बंबई आया। एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे वो इंस्पेक्टर मिला जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, वो मुझे मेरी बेटी के पास ले गया जो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। बेटी, बेटी, गीता बेटी, मैं आ गया हूँ तुम्हारे डैडी। डैडी? हाँ मैं आ गया हूँ। मैं आपका इंतजार कर रही थी डैडी। बेटी अब तुम, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैडी अच्छा हुआ जाते जाते आपके दर्शन। ऐसी बातें मत कहो बेटी, अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। बेटी मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार कर लिया था बेटी, सिर्फ कफन नहीं लाया था। बेटी मेरे खून की कसम, जिन जालिमों ने मेरा घर उजाड़ा है उनको कुत्तों की मौत मारूंगा। तेरी मौत का बदला मैं इन हाथों से लूंगा बेटी। मैं उसके बाद मैंने अपना हुलिया बदला, कातिलों को ढूंढने के लिए मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, शहर के हर बदमाश को वो लॉकेट दिखाया जिसमें मेरी बेटी की तस्वीर थी। आपको शायद याद होगा वो लॉकेट आपको भी दिखाया था। क्या हुआ आप लोग चौंक पड़े, ऐसा आर कभी देखा नहीं? आखिर उन कातिलों से मेरी मुलाकात हुई आपके होटल के बाहर। दरअसल बात यह है कि इसमें जो तस्वीर है ये कुछ जानी पहचानी थी। जानी पहचानी क्या, ये तो अपना शिकार थी। शिकार मर गई जालिम वाला, आई टेल यू क्या चीज थी। और उसके बाद मैंने अपना इंतकाम लेना शुरू किया। मेरा पहला शिकार था पिंटो, जब वो पुलिस से भाग रहा था। ये
बेवकूफी समझ रहा था कि मैंने उसे पुलिस से बचा लिया, लेकिन लेकिन मैं उसे उसी बेरहमी से मारना चाहता था जिस तरह उन लोगों ने मेरी बीवी और मासूम बच्ची को मारा। मैं उसे घसीटता हुआ मौत की तरफ ले गया। उसने दम तोड़ दिया, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं। मैंने उसकी लाश को दरख्त लटकाकर उस पर नफरत से थूका। उसके बाद दूसरा था सुल्तान, जब वो लॉकअप से भागा था। चकू तू? नहीं, मैं बैरिस्टर साहब जिसका घर तुमने तबाह कर दिया। फिर आप रंजीत के लिए पानी लेने गए थे, इधर मैंने चाकू, चाकू। मैं जग्गू नहीं, मैं हूं बैरिस्टर रघुवीर साहू, जिसकी बीवी और मासूम बच्ची को तुमने बेरहमी से मारा। रंजीत से पता मालूम करके मैं सीधा शंकर के पास पहुंचा। जब वो माल निकालकर तो मेरा शक सही, तुम आगे पुलिस ऑफिसर लाले। मैंने पुलिस ऑफिसर ने जग्गू, तो फिर कौन हो तुम? मैं वही बदनसीब हूँ जिसके जवान बेटी और बीवी को तुम लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया था। यानी बैरिस्टर रघुवीर सहाय, और अब मैं तुम्हें उसी बेरहमी से कत्ल करूंगा जिस तरह तुम्हारे तीनों साथियों को मारा। पर हर खून के बाद मुझे तसल्ली होती गई कि मेरी बीवी और मासूम बच्ची का खून का बदला मैंने खून से लिया। आईसी, तो आप मिस्टर जग्गू नहीं हैं, बैरिस्टर रघुवीर सहाय। बैरिस्टर रघुवीर सहाय तो कब का खत्म हो चुका था, अब मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। मिस्टर वर्मा, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं। बैरिस्टर होने के नाते मैं जानता था मुझे क्या सजा मिलेगी, जिसके लिए मैं पहले से तैयार था। चलिए, एक बाप होने के नाते मैं जानता हूं इस शरीफ आदमी ने कोई पाप नहीं किया। कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और ज्यादा जानना भी नहीं चाहता। आओ बेटी, चलो